वो उनके जहन में ही वो कड़ी थी कहने की जी कि उनको एक कोई मुल्क हटाना चाह रहा है, क्योंकि वो मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। उन्होंने मुल्क में ना के लिए ना कभी कोई अच्छा किया, तो वो किसी भी सूरत में खतरा नहीं थे। और वो एक साइफर के बहाने लोगों के जहनों में, नौजवान के जहन में पोल्यूट किया गया, पर नए नारे निकाले गए। उसके बावजूद जब वो करारदाद कामयाब हुई तो उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को और इस मुल्क के तमाम इदारों को उनके सरबराहों के और उनके सरबराहों के खिलाफ एक घिनौनी साजिश की। और वो घिनौनी साजिश मैं समझता हूं कि ये इस नौजवान नस्ल को इंतशार की तरफ फैलाने की कोशिश थी। और फिर हुआ क्या हुआ, ये कि 9 मई को जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया, तब पूरे पाकिस्तान को एक सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई गई। उसमें सबसे पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का जो जिना हाउस था उसको नहीं बख्शा गया, हमारे शोहदा, अब शोहदा की कदर वो ही जान सकते हैं जो अपने मुल्क की मट्टी से मोहब्बत करने जानते होंगे। शोहदा की कदर वो ही जानते होंगे जिनको अपने मुल्क से, अपने मुल्क की सरहदों से मोहब्बत होगी। शोहदा की कदर वो ही जानते होंगे जिनको पता होगा कि हमारे पुलिस, हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी आर्मी, हमारी FC जिस तरीके से वो हर जगह पर हिफाजत करके अवाम के लिए वो मौजूद होते हैं, तो उस अवाम की हिफाजत के लिए और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए, तो वो किस तरीके से कभी सियाचिन में नौकरियां कर रहे हैं, कभी थरपारकर जैसे रेगिस्तान में नौकरियां कर रहे हैं, कभी सड़कों पर बैठे हुए जिस तरह यहां पे वाकियात हुए हैं, उस तरीके से वो आपके शहरों में बैठ के ड्यूटीज दे रहे हैं। उनको जिस तरीके से उन शोदा की बेहुरमती की गई, उनकी यादगारों की जिस तरह बेहुरमती की गई, इसकी मिसाल आज तक पाकिस्तान में नहीं मिलती। मैंने ये कहता हूं कि जी जो इस मुल्क से की मिट्टी से मोहब्बत करने वाला शख्स होता है उसको मुल्क की हर चीज से मोहब्बत होती है, उसको अपने मुखालफों से भी मोहब्बत होती है, उसको इस मुल्क का हर जर्रा अपनी जान से प्यारा होता है। कोई किस तरीके से ये कर सकता है? और फिर क्या हुआ, हम जिस शहर में बैठे हैं कराची में, जिस तरीके से यहां बसों को नजर आतिश किया गया, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में एम्बुलेंसेस को, जो पेशेंट्स को लेके जाती हैं, जो एम्बुलेंसेस जिसका काम यह है कि बीमार को, किसी को इमरजेंसी में लेके, उनको नजर आतिश किया गया, रेडियो पाकिस्तान को नजर आतिश किया गया, इससे पहले पार्लियामेंट को नजर आतिश किया गया, इससे पहले PTV की बिल्डिंग को नजर आतिश किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की सियासत अपने जात पे थी, इंतशार पे थी, और उसका मकसद यह था कि सिर्फ उसकी जात, वरना कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझा कि पाकिस्तान में अगर उसको वजारत उस्मा की कुर्सी मिले, अगर नहीं मिली तो वो इस मुल्क को और इस मुल्क की नौजवान नस्ल को एक तबाही के दौराए पे खड़ा कर देगा। तो अनफॉर्चुनेटली 9 मई को जो भी हुआ, ना ही वो पाकिस्तान के लिए अच्छा था, ना इस कौम के लिए अच्छा था। और हुआ क्या, उस इमरान खान के अपनी औलाद, अपने बेटे लंदन में इस वक्त भी ठंडी फिजाओं में घूम रहे हैं, और कौम के नौजवान बच्चे, वो मासूम बच्चे जिनका कच्चा जहन था, जिनका कमजोर जहन था, कौम की वो मासूम बहनें जो इसको अपना आइडियल समझती थी, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। और क्यों सड़ रहे हैं? क्योंकि उनके लीडर ने कहा था, इमरान खान ने कहा था, उनकी ये पूरी प्री प्लान थी, उन्होंने पहले ही तय कर रखा था कि अगर हमें कुछ गिरफ्तारी होगी तो फिर हम मुल्क का ये हशर करेंगे। और ये पहला वाकया नहीं था, आप ये सारी चीजें जिस तरह मैंने कहा, ये कड़ी से कड़ी इनको मिलाएं कि इस तरीके से कड़ी मिलाई जाएगी। जब लाहौर में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो क्या हुआ, पंजाब पुलिस पर पेट्रोल बम के हमले किए गए। कौन सी सियासी जमात आज दिन तक पाकिस्तान में इस तरीके से एक्ट करती है? हमारी अपनी लीडरशिप जो है वो जेलों में गई, उनको गिरफ्तार किया गया, हम सबको गिरफ्तार किया गया। कब पेट्रोल बमों से हमले पुलिस पे किए जाते हैं, और पेट्रोल बमों से हमले करके आप क्या मैसेज देते हो? ये तो अल्लाह ताला ने बचाया कि वो जो पुलिस वाले वो बच गए, वरना उनकी शहादतें भी हो सकती। तो कौन इस तरह की हरकतें करता है, कौन, क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है? और आज भी जिन लोगों को अगर हमदर्दी है और हमें वो मिसालें वेस्ट की देते हैं, तो आज कैपिटल हिल में देख लें कि कैपिटल हिल में जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की उनको 18 18 साल की सजाएं हुई।
जिन लोगों ने कैपिटल हिल पे इस तरह के दहशतगर्दाना वाकयात किए उनको 18-18 साल की कैदें हुई, तो क्यों एक्सेप्शनल यहां दी जाए, क्यों एक्सेप्शनल दी जाए? और मैं तो कहता हूं जो लोग मासूम लोग गिरफ्तार हैं वो बेकसूर हैं, कसूरवार वो है जिन्होंने उनको ये ट्रेनिंग दी, कसूरवार वो है जिन्होंने उनको पैटर्नाइज किया, कसूरवार वो है जिन्होंने उनके जहन में ये नफरत अंगेज सोच पैदा की कि सोशल मीडिया पे अगर कोई आपका मुखालिफ हो तो उसको आप गालम गलूच के साथ एड्रेस करो, अगर कोई आपसे इख्तलाफ करता हो तो उसको आप गालम गलूच से करो, उनकी फैमिलीज पे अटैक करो, कोई भी आपका मुखालिफ पॉलिटिशियन हो उनकी फैमिलीज पे आप ट्रोलिंग करो। ये सारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं था और हमें किसी और मुल्क के कल्चर से मुतासर होने की जरूरत नहीं है। हमारा कल्चर पाकिस्तान का बहुत अच्छा कल्चर है, हम दुनिया का सबसे बेहतर कल्चर मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तानी कल्चर है। हम जिस तरह वालदेन की आखिर तक खिदमत करते हैं, वालदेन की जो अहमियत है वो बाहर के मुल्क ममालिक में नहीं है, तो हमारे कल्चर को बराए मेहरबानी कोई और कल्चर जो लोग एडॉप्ट करवाना चाहते हैं वो इस मुल्क के साथ सच्चे नहीं है, वो इस मुल्क की नस्लों के साथ सच्चे नहीं है। मेरी आज भी गुजारिश होगी तमाम उन पेरेंट्स से, तमाम उन वालदेन से, तमाम उन समझदार लोगों से कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये मुल्क आगे तरक्की करे, जो कि इंशाल्लाह ताला जरूर करेगा, तो आप कम से कम अपने उन बच्चों पे वो आप नजर रखें, उनको समझाएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से एड्रेस किया जाता है। अगर कोई एक शख्स अपने इक्तदार की हवस में अपने आपकी नौजवान नस्ल को खराब कर रहा है तो उससे अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि उसकी नीयतें ठीक नहीं है। अगर उसकी नीयतें ठीक होती तो सबसे पहले अपनी औलाद को यहां लाता, अपने औलाद को बुलाए तो अपने बेटों को और बोले कि तुम लोग तहरीक चलाओ और फिर पूरी कौम तुम्हारे पीछे चलेगी। अपनी औलादों को आप एक सेफ जगह पर, सिक्योर जगह पर आप पैदा करो, कौम की औलाद को बोले हाथ में पत्थर उठाओ, पेट्रोल बम उठाओ, लाठियां उठाओ, ये ना ही आप इस कौम के साथ सच्चे हो ना ही इस मुल्क के साथ सच्चे हो। तो इस मौके पर जो पैगाम हुकूमत सिंध का है वो अमन का पैगाम है, वो प्रॉस्पेरिटी का पैगाम है, वो सबको यूनाइटेड करने का पैगाम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी इलेक्शन मुहिम में कहा कि जी हम सबका पाकिस्तान, हम सब एक हैं, तो हम भी ये कहते हैं कि हम सब एक हैं और हमें इख्तलाफात को भुला देना चाहिए। इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन में सियासी इख्तलाफ होते हैं, लेकिन उसका मकसद नहीं है कि वो दुश्मनी के तौर पर आए, सियासत में इंतशार को और तशद्दुद को मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। जिस तरह हमारे होस्ट ने कहा कि हमें वायलेंस को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए, अपनी सोचों से वायलेंस को दफन करना चाहिए, हमें अपने इस मुल्क की एक एक चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए, चाहे वो बस हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो हमारे जो सिपाही जो सड़कों पर खड़े हुए हैं, हमारी ट्रैफिक पुलिस, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा काम हमारी ट्रैफिक पुलिस कर रही होती है, जो बेचारे बगैर हथियारों के सड़कों पर खड़े हैं इस शहर में, उनको भी चुन चुन कर शहीद किया गया। फिर हमारी ट्रैफिक पुलिस है, हमारी पुलिस है, हमारी रेंजर्स है, हमारी आर्मी है, हमारी FCA जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब के जो जवान हैं उनकी भी इज्जत करनी है और जो शहदा हैं उनकी उससे ज़्यादा इज्जत करनी है। आज इस प्रोग्राम में कुछ शहदा की फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारे पुलिस के शहदा की फैमिली मौजूद हैं, हमारे फ़ौज के शहदा की फैमिली मौजूद हैं, हम सबको सलाम पेश करते हैं। आप सबको जो तकलीफ 9 मई को हुई उसके लिए पूरी कौम शर्मिंदा है, पूरी कौम समझती है कि ये जिन नादानों ने किया उन्होंने कुछ और मैसेज दिया था, लेकिन कौम ने एक होकर जिस तरह इसको कंडेम किया है, यूनाइटेड होकर इसको कंडेम किया, हमारी सिविल सोसाइटी ने, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, हमारे तमाम लोगों ने जिस तरह एक यूनाइटेड होकर उस ब्रूटल अटैक को कंडेम किया, मैं समझता हूँ कि कौम आपके साथ है, कौम उन इंतशार पसंद लोगों के साथ नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।